आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कैसे हम लोग अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, मतलब जिन लोगों से हम क्रेडिट बेस पे सामान खरीदे हैं उनको सामान के बदले हमको पेमेंट करना होता है तो हम लोग कैसे करेंगे। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है रिपोर्ट्स के नीचे में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे आके आपको इंटर बटन को हिट करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है सबसे ऊपर में लिखा हुआ है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट पे आके आपको इंटर बटन प्रेस करना है, फिर से इंटर बटन प्रेस करना है। हमने नवंबर महीने में परचेज किया था तो नवंबर महीने का खोल लेना है। आपके केस में क्या होगा कि यहाँ पे नवंबर महीना नहीं दिखेगा, ओनली फॉर अप्रैल दिखेगा, तो आपको अप्रैल को खोल लेना है। यहाँ पे जितना भी हम सामान परचेज किए जिस जिस सप्लायर से तो सभी को हम किसी को भी अभी तक पेमेंट नहीं किए तो सभी को हमको पेमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला मेरा क्या है शर्मा एंड कंपनी, तो इसको पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्केप से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद आपको आ जाना है वॉचर्स में। वॉचर्स में आ जाएंगे, वॉचर्स में आने के बाद पेमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कीबोर्ड से प्रेस करना F5। जैसे ही आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे पेमेंट वाउचर खुल के आ जाएगा। यदि आपका सिंगल एंट्री मोड है तो डबल एंट्री मोड में आप कैसे करिएगा, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+H बटन, उसके बाद यहाँ पे आपको डबल एंट्री मोड दिखता है, आपको इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, जो मेरा नाम था शर्मा एंड कंपनी। यहाँ पे हम जैसे ही SH टाइप किए ऑटोमेटिक यहाँ पे शॉर्ट होके आ चुका है, तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। तो अमाउंट मेरा कितना था 22,000। 22,000 डालने के बाद आपको इंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए एक चीज आ रहा है बिल वाइज डिटेल, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या किए थे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करके रखे थे, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। और एक चीज यहाँ पे आपको नया दिख रहा होगा कि न यहाँ पे एडवांस पे आया, न न्यू रेफरेंस पे और न ही ऑन अकाउंट पे, ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस पे आ रहा है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो SW001 नाम का जो वॉचर पेंडिंग में था यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहा है, जो कि हम लोगों ने 3 नवंबर को बनाया था और आज हम लोगों ने डेट डाला है 7 नवंबर। तो इस डेट में मेरा क्या हो रहा है, ये वॉचर का पैसा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। इंटर करेंगे और फिर इंटर करेंगे, क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट में क्या करेंगे कैसे हम उसको पैसा दे रहे हैं, कैश से भी आप दे सकते हैं या फिर आप बैंक से भी दे सकते हैं। तो अभी हम कैश से दे देते हैं, इंटर करेंगे फिर इंटर करेंगे और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वॉचर आपका कंप्लीट हो चुका है पेमेंट का। दूसरा था मेरा संजीव, तो हम यहाँ से संजीव अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो अमाउंट था वह है 32,100, तो यहाँ पे हम 32,100 डाल के इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस आपका रहेगा, यहाँ पे आपको अपना बिल नंबर को मैच कराना है। उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद क्रेडिट में आपका यहाँ पे हम डाल देते हैं बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, Ctrl+A करेंगे, जो भी डिटेल आपको नया दिखता है आप Ctrl+A से उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट था संजय एंड कंपनी, तो यहाँ पे हम संजय एंड कंपनी को टाइप करेंगे, संजय एंड कंपनी आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हम पूरा अमाउंट डालते हैं 3,300 इसका पेंडिंग में था, और जैसे ही इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे गौर करिए कि एक चीज़ दिखता है, यहाँ पे क्या दिखता है करेंट बैलेंस। यदि आप पूरा अमाउंट डाल देते हैं तो करेंट बैलेंस यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। यदि आपका मन है कि नहीं हम संजय एंड कंपनी को 3,300 था बट हमको यहाँ पे अभी 2,000 पैड करना है, तो हम यहाँ पे 2,000 लिख के इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस में बिल नंबर मैच करके इंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे जो करेंट बैलेंस क्या है कि 1,300 रुपया अभी भी पेंडिंग में मेरा बचा हुआ है, मतलब इनको हमको देना है 1,300 रुपया। तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं हाफ हाफ। तो अभी हम क्या करते हैं कि पूरा ही दे देते हैं, पेंडिंग में रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो 3,300 हम यहाँ पे पेड कर देंगे। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, और यहाँ पे भी मुझे लिखना होगा 3,300, तो हम लिख लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। क्रेडिट बेस पे आप कैश भी ले सकते हैं, बैंक में भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे अभी कैश पहले लिखते हैं और कैश में हम देते हैं इनको 1,000, तो हम यहाँ पे 1,000 लिखेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद बैंक से देना है बाकी का अमाउंट, तो हम यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ दिख रहा है क्रेडिट रिकॉर्ड में, पहला आपका कैश दिख रहा है और दूसरा क्रेडिट रिकॉर्ड में बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है। तो मैंने कैश से 1,000 रुपया दिया है और बैंक से 2,300 रुपया दिया है। इंटर करेंगे, बाकी की डिटेल को Ctrl+A से एक्सेप्ट कराएंगे, फिर इंटर करेंगे, तो ये भी एंट्री मेरा क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा सलमान एंड कंपनी, तो सलमान एंड कंपनी को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, इसका अमाउंट है 5,100 रुपया। इंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस मेरा मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैश से इसको हम पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद Ctrl+A कर लेंगे, तो ये वाला भी मेरा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है यादव ट्रेडर्स, तो हम लिख लेते हैं यादव ट्रेडर्स। उसके बाद
इंटर करेंगे, अमाउंट मेरा इसका है 12,500, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अभी 12,000 लिखने के बाद आपको इंटर करना है 500, अभी हम इसको पेंडिंग में रख रहे हैं, मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इंटर करेंगे, फिर इंटर करते चलेंगे और इसको हम बैंक ऑफ इंडिया से पैसा दे दिए। देने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करते चलेंगे और फिर ये एक्सेप्ट करा लेंगे। तो हम यादव ट्रेडर को 500 रुपया नहीं दिए, याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा जॉन, तो हम यहाँ पे जॉन ब्रदर को भी पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा जॉन, तो यहाँ पे मेरा जॉन ब्रदर आ चुका है। उसके बाद इसका आपका 13,000 अमाउंट है, तो 13,000 हम लोग लिख के इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस रहेगा और इसको पेमेंट करेंगे हम कैश से, तो कैश से हम इसको पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे तो इसका भी पेमेंट हो चुका है। बट यादव ट्रेडर का क्या है कि अभी भी 500 रुपया मेरे पास पेंडिंग में, तो आपको कीबोर्ड से भी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डेट को चेंज कर रहे हैं। क्यों डेट को चेंज कर रहे हैं कि हम अलग डेट में उसको देना चाहते हैं बाकी का अमाउंट। यदि आपका लाइसेंस वाला टैली नहीं है तो आपका ये डेट चेंज नहीं होगा, तो आपको ट्राई नहीं करना है। आपका एडुकेशनल मोड है तो आप एडुकेशनल मोड यूज करिए। आपका तीन ही डेट काम करेगा, 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख। तो अभी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं यादव ट्रेडर्स, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो 500 रुपया यहाँ पे करेंट बैलेंस आपको शो कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए कि 500 रुपया दिख रहा है, इसको हमको 500 देना होगा। तो यहाँ पे हम 500 दे के इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस आपका रहेगा, बिल नंबर मेरा मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम बैंक ऑफ इंडिया से उसको पैसा दे देते हैं। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो ये वाला भी मेरा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। यदि हम जितना भी अभी पेमेंट किए हमको सारा देखना है तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए स्केप से बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में आना है, और बैलेंस शीट में आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है कि नीचे लिखा हुआ है करंट एसेट्स। आपको करंट एसेट्स पे आके इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने क्या किया, पेमेंट किया है, तो कैसे पेमेंट किया, कैश से, तो कैश पे आके इंटर करेंगे, और फिर कैश पे आके इंटर करेंगे। नवंबर वाला देखना है तो नवंबर पे आके इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपने जितना भी पेमेंट किया था आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसिप्ट भी, तो आपको यहाँ पे सारा दिख रहा है जितना भी हम पेमेंट किए थे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी हम यहाँ पे कैश से पेमेंट किए हैं सारा यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि आपका कितना है, 41,100 का हम लोगों ने यहाँ से कैश से पेमेंट किया था। और उसके बाद बैंक से कितना किए, तो हम यहाँ से बैंक में आकर देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से किए थे और ये हमने किया है 46,900 का। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग पेमेंट किए। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, वो भी बैंक से, या फिर 50-50 अमाउंट कैसे देंगे, या फिर पेंडिंग में रख के अमाउंट कैसे देंगे। तो आप इन सभी चीज़ों का अपने टैली प्राइम में प्रैक्टिस करिए, तभी आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।